हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रकाश एडिट्स। तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप कुछ इस तरह की फेस स्मूथ ऑयल पेंट एडिटिंग कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना गाइस, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप भी ऐसी एडिटिंग कर सको। तो इसमें जो भी मैं ट्रिक दूंगा उसको आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना गाइस। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब। तो चलते हैं अपनी वीडियो को सिंपली स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला स्टेप आपको अपना लाइटरूम ऐप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक प्लस वाला आइकॉन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने फोटो को यहाँ से ऐड कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपने फोटो को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, आप भी सिंपली ऐड पर क्लिक कर लेना। उसके बाद ये फोटो हमारा ऑल फोटोज़ में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपके सामने अपना फोटो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको जो मैं स्टेप बताने वाला हूँ वही स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको जाना है इस वाले टूल पर, एक्सपोजर वाले टूल पर, और यहाँ से इसका शैडो को बढ़ा देना है अपने फोटो के। तो फोटो को शैडो को बढ़ा देना है, और वाइट को थोड़ा बढ़ा देना है, और हाईलाइट को थोड़ा, अगर आपको वाइट कम लगे थोड़ा और बढ़ा लेना। उसका सिंपली जाना है कलर वाले टूल पर, और यहाँ से कलर पर जाना है। कलर पर जाकर जो रेड कलर है उसका लुमिनेंस को बढ़ा देना। तो आपके फोटो में जो रेड कलर रहेगा उसको बढ़ा लेना, अगर नहीं है तो नहीं बढ़ाना। उसके बाद आपको सेकेंड वाले कलर पर जाना है, ऑरेंज पे। ऑरेंज पे जाकर इसका जो लुमिनेंस है इसको बढ़ा देना, ताकि फेस में जो ब्राइटनेस है वो आ सके। उसका लुमिनेंस को बढ़ाने के बाद सेचुरेशन को थोड़ा माइनस में रखना है। तो यहाँ से इसको थोड़ा और माइनस में रख लेना। उसके बाद यहाँ से जाना है येलो कलर पर। तो हाँ, ये येलो कलर हमारा बैकग्राउंड का कलर है, तो इसको हम ह्यू को चेंज करेंगे और सेचुरेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद ग्रीन कलर पर जाकर इसका भी ह्यू और सेचुरेशन को थोड़ा बढ़ा देंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ से ब्लू कलर पे जाना। तो ब्लू कलर पे जाकर थोड़ा माइनस कर देंगे इसका सेचुरेशन को। उसके बाद सिंपली डन करेंगे। डन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पर वाइब्रेंस, तो वाइब्रेंस को थोड़ा सा बढ़ाना है आपको। और उसके बाद आपको यहाँ से जाना है नेक्स्ट वाले टूल पर। तो यहाँ से इस पर क्लिक करके आपको इसके फोटो को क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बढ़ाना। उसके बाद हमें जाना है नेक्स्ट वाले टूल पर। अब ऐसे फोटो को शार्पनेस को बढ़ाएंगे, तो शार्पनिंग को आपको बढ़ा लेना है। आपको इसको 30 के आसपास रख लेना है, तो 35 रख लेता हूँ। उसके बाद नीचे आ जाना है मास्किंग पे, मास्किंग को भी आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। फिर नीचे आ जाना है नॉइस रिडक्शन पर, इसको 20 या 16 रख लेना। उसके बाद आपको जाना है नीचे कलर नॉइस रिडक्शन पर, इसको भी थोड़ा बढ़ा लेना। उसके बाद हमारा फोटो कुछ इस टाइप का बनेगा। आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, ये रहा बिफोर और ये रहा आफ्टर। तो अब इस फोटो को हम लोग सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए आपको पता है शेयर वाले ऑप्शन पर जाकर सेव टू डिवाइस। सो गाइस, यहाँ पर ये सेव होने के बाद आपको इसको ले चलना है ऑटोडेस्क ऐप में। तो सिंपली आपको अपना ऑटोडेस्क ऐप को ओपन करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ स्टेप का ओपन करने के बाद ये दिखेगा। तो इसके बाद आपको यहाँ से, अब मैं स्टेप बताऊँगा इसमें आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी पर जाना है। लाइब्रेरी पर जाने के बाद आपको एक ट्रेडिशनल वाले ऑप्शन में आपको एक ब्रश मिलेगा, तो इस ब्रश का नाम है मीडियम ब्रश। तो उसको सेलेक्ट करने के बाद, उसके बाद आप सेटिंग देख सकते हो, इतना रखने के बाद क्रॉस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको जाना है लेयर वाले ऑप्शन पर, यहाँ से एक एम्प्टी लेयर लेना है प्लस पे क्लिक करके। उसके बाद इस लेयर पे जाकर ब्लेंडिंग मोड को नॉर्मल है उसको कर लेना है आपको सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट पे क्लिक करने के बाद आपको क्रॉस पे आ जाना है। उसके बाद आपको सिंपली अपने फोटो को यहाँ से कलर पे जाना है। कलर में जाकर कॉपिंग में जाना है, यहाँ से कॉपिंग में जाकर ऑरेंज कलर को लेकर फर्स्ट वाले को चूज़ करना है। उसके बाद क्रॉस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली अपने फोटो को जूम करना है। जूम करने के बाद आपको जस्ट ऐसे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर साइज़ को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। उसके बाद आपको इसे ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ करने के बाद देख सकते हो हमारे फोटो में थोड़ा ब्राइटनेस आ रहा है। तो जहाँ जहाँ ब्लैकनेस रहेगा वहाँ वहाँ आप कर लेना, उसके बाद पूरा फोटो में कर लेना। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आपको भी कर लेना है। मैं आपको यहाँ पर वीडियो को फास्ट करके दिखा देता हूँ। अब हमारे फोटो में ये कम्प्लीटली ड्रॉ हो चुका है, तो हमारा फोटो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। तो आपको जाना है लेयर पे, लेयर पे जाकर सॉफ्ट लाइट को, ओपेसिटी को थोड़ा कम कर लेना है। तो इसको ओपेसिटी को मैं 71 रख लेता हूँ। उसके बाद आपको रखने के बाद सीधा मर्ज पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, हम इस फोटो के फेस को स्मूथ करेंगे। तो आपको जाना है लाइब्रेरी वाले ऑप्शन पे। लाइब्रेरी वाले ऑप्शन में जाकर एक आपको ऑप्शन दिखेगा स्मज वाले ऑप्शन में, आपको ये वाला ब्रश को सिलेक्ट करना है। उसके सेटिंग यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको इतना ही रखना है। उसके बाद क्रॉस पे क्लिक कर देना है। क्रॉस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली फोटो को जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ से साइज़ को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आपको ज़्यादा बड़ा ही नहीं रखना है और ज़्यादा छोटा नहीं रखना, तो इतना रख लेना है आपको। उसका सिंपली आपको ब्रश को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से फेस स्मूथ हो रहा है। आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें स्मूथ करने के लिए, लेकिन आपको एकदम धीरे धीरे से करना है स्मूथ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप भी कर लेना। तो यहाँ पर आपको मैं फास्ट करके दिखा देता हूँ। Thank you.
सो गाइज मैंने यहाँ पर फाइनली अपने स्किन को पूरी तरह से अच्छे से स्मूथ कर ली है। आपको भी यही सेटिंग करके अपने फेस को स्किन को स्मूथ कर लेना है। अब यहाँ से इस फोटो को सेव करेंगे, तो सेव करने के लिए आपको पता है फर्स्ट वाले टूल पर जाना है और यहाँ से शेयर पे क्लिक करके सेव टू डिवाइस। तो अब यहाँ पर ये फोटो सेव हो रहा है, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये सेव होने के बाद यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देना। सेव पे क्लिक करने के बाद हम इस फोटो को फिर से हम लाइटरूम ऐप में ओपन करेंगे। तो गाइज आपको फिर से लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है, आप भी सिंपली ऐड कर लेना। उसके बाद आपको जाना है यहाँ से कलर वाले टूल पे जाना है। सिंपली कलर वाले टूल पे जाने के बाद जो ऑरेंज कलर है इसको लेना है और इसका सेचुरेशन थोड़ा माइनस पे कर देना है और ल्यूमिनस को थोड़ा बढ़ा देना ताकि फोटो का जो फेस है वो थोड़ा और ब्राइट दिखे। उसके बाद यहाँ से सिंपली आपको कुछ करना नहीं है ज़्यादा और डन कर देना। डन करने के बाद हमें अगले वाले टूल पे जाकर यहाँ पे इसका क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो इतना मैं रख लेता हूँ, उसके बाद आप अपने हिसाब से रख लेना। उसके बाद हमें यहाँ से इस फोटो को हम लोग सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए शेयर पे क्लिक करके आपको यहाँ से इसको सेव टू डिवाइस कर लेना है। तो शेयर पे क्लिक करके मैं इसको सेव टू डिवाइस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपका फोटो सेव हो जाएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको अपना टूलविज ऐप को यहाँ से ओपन करना है। तो आपको टूलविज ऐप यहाँ से ओपन करना है। उसके बाद प्रो एडिटिंग पे जाना है, यहाँ से अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अपने फोटो को ऐड कर लिया है। अब यहाँ से जाना है आपको इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद सॉफ्ट स्मज लेना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा। तो आपको जाना क्या है, यहाँ पर आपको 7 नंबर पे इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद मास्क पे जाना है। मास्क वाला ऑप्शन पे जाकर आपको यहाँ से सिंपली क्लीन कर देना है। क्लीन लिखा है यहाँ पर, उसके बाद अप्लाई पे आ जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली फोटो को जूम करना है। आपको अपने हेयर और बियर्ड पे इसको अप्लाई करना है। तो जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा हेयर है जो ऑयल पेंट की तरह दिखने लगा है। तो आपको इसको अच्छे से करना है। मैं यहाँ पर इसको कम्प्लीटली करके आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज इतना होने के बाद आपको सिंपली डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद हमारा फोटो डन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस फोटो को सेव कर लेना है। तो आप भी ऐसे एडिटिंग कर सकते हो जैसे मैंने किया, वही स्टेप आप भी फॉलो करो। और तो आई होप आपके एडिटिंग पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।